नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिविल स्कोर के बारे में। तो बहुत से भाई ऐसे हैं जो लोन लेने जाते हैं, उनका लोन को रिजेक्ट कर दिया जाता है, अपना सिविल स्कोर चेक नहीं करते हैं, या बहुत से भाई ऐसे हैं जिनको पता नहीं है उनके नाम पर कितना लोन चल रहा है। तो अगर आप अपना सिविल स्कोर चेक करेंगे उसके आपको सब पता चल जाएगा कि आपके नाम पर कितना लोन चल रहा है और आपको लोन मिल पाएगा या लोन नहीं मिल पाएगा। तो ये वीडियो हम कंप्लीट बात करने वाले हैं। तो अगर आप अपना सिविल स्कोर चेक करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना होगा। और वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप अपने मोबाइल में आपको प्ले स्टोर में जाना होगा। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको वहाँ पे टाइप करना होगा गूगल पे, और गूगल पे इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद उसको ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, नीचे चले जाना। नीचे जाइएगा तो आपको यहाँ पर नीचे जैसे जाएगा यहाँ पर नीचे देखने को मिल जाएगा चेक योर सिविल स्कोर फॉर फ्री। तो यहाँ पर आपको बस आपको कुछ नहीं करना, बस आपको इस वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसा आप इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे देख सकते हैं आपकी थोड़ा सा लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ आपको देखने को मिल जाता है चेक योर सिविल स्कोर फॉर फ्री, इट लेट्स टेक 10 मिनट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखने को मिलता है चेक योर स्कोर नाउ। तो आपको क्या करना है, इस वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसा आप इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करेगा तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपका यहाँ पर नाम देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ फर्स्ट नेम टाइप करना है, लास्ट नेम टाइप करना है और यहाँ पर कंटिन्यू वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो आपको डिटेल को फिलअप करना होगा। फिलअप वही करेगा, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है जो आपके पैन कार्ड पर नाम होगा वही आपको यहाँ पर नाम टाइप करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलता है कंटिन्यू का ऑप्शन, तो आपको कंटिन्यू वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। चलिए कंटिन्यू वाला ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप कंटिन्यू वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे देख सकते हैं फेचिंग योर सिविल स्कोर, तो अभी ये सर्च कर रहा है, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ आपको देखने को मिल जाता है इस तरीके का, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और यहाँ आपको देखने को मिल जाता है इस तरीके का ऑप्शन। तो यहाँ आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे 300 से लेकर 900 स्कोर रहता है इसका, जिसमें से 864 योर सिविल स्कोर यहाँ पे 764 देखने को मिल जा रहा है। यहाँ पर आपको कंटिन्यू वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू वाला ऑप्शन पर क्लिक करिएगा तो यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा इस तरीके का ऑप्शन। तो आपको यहाँ पे लेटर पे कर दीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा योर क्रेडिट रिपोर्ट, तो पूरा रिपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं आपका यहाँ रिपोर्ट देखने को मिलता है, यहाँ पे 764 आपको देखने को मिल जाता है 23 मई, यहाँ आपको वो भी देखने को मिल जाएगा। कोई अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है यहाँ पे वो भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देख लीजिएगा नो लेट पेमेंट, कोई लेट पेमेंट नहीं है। यहाँ पे एक क्रेडिट कार्ड अप्लीकेशन है तो यहाँ पे वो भी देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको नीचे आना है। अगर आप यहाँ पे पूरा डिटेल यहाँ पे चेक करना चाहते हैं देख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे सी फुल रिपोर्ट आपको इस वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सी फुल रिपोर्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करेगा तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। और यहाँ आपको देखने को मिल जाता है इस तरीके का, यहाँ पर सिविल स्कोर देखने को मिलता है, यहाँ पर पेमेंट हिस्ट्री देखने को मिल जाएगा, क्रेडिट हिस्ट्री देखने को मिल जाएगा, क्रेडिट मिक्स योर न्यू इंक्वायरीज। इसके बाद आपको नीचे देखने को मिल जाता है एक ऑप्शन यहाँ पे शो क्रेडिट कार्ड्स एंड लोन्स, तो आपको क्या करना है इस वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना। जैसे आप इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ आपको देखने को मिल जाता है, देखिए सबसे पहले आपको एक एक्टिव जो है यहाँ आपको देखने को मिल जाता है एक्टिव, सबसे पहले आपको ऊपर देखने को मिलता है एक्टिव। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिएगा एक ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड है जो एक्टिव है, अभी 40,000 का लिमिट है। एक लोन है यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे BUPGB, तो यहाँ पे 50,000 का है। इसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलता है BUPGB, तो आपको यहाँ पे अदर्स का एक ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे इतना लोन चल रहा है, मतलब ये दोनों लोन है और यहाँ पे एक क्रेडिट कार्ड है। अगर क्लोज का देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लोज वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो इनका क्लोज कोई भी नहीं है। इस तरीके से आप देख लीजिएगा, इसका अगर आपको चेक करना है आपको क्या है तो बस आपको क्या करना है इस वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे कि मान लीजिए आपको पता करना है आपको नीचे वाला क्या है, जिस पर आपको क्लिक कर देना। जैसे इस पर क्लिक करिएगा तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा एक्टिव और यहाँ पर कब अकाउंट क्रिएट हुआ है और कब यहाँ पर लास्ट यहाँ पे अपडेट देखने को मिल जाता है। इसके बाद आप बैक चले जाना। जैसे आप यहाँ से बैक जाइएगा तो आपको कोई भी ये चेक करना है इस पर चेक कर क्लिक कर लीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है कोई लेट पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, आपका कब पेमेंट कर रहे हैं कब पेमेंट नहीं कर रहे हैं, इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। करंट बैलेंस कितना है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे सेक्शन अमाउंट इतना है और करंट बैलेंस इतना है, तो इस तरीके से आपको इतना पेमेंट करना पड़ेगा और इतना इनका अमाउंट क्रिएट किया गया था। तो इस तरीके से आप सिविल स्कोर अपना चेक कर सकते हैं घर बैठे बहुत ही आसानी से, और अपना लोन भी चेक कर सकते हैं कि आपके आपके नाम पे कितना लोन है कितना लोन नहीं है। तो इस तरीके से आप सिविल स्कोर भी आप निकाल सकते हैं, और लोन लेने जाने से पहले एक बार सिविल स्कोर चेक कर लीजिएगा। और नहीं भी आप लोन लेना है तो भी आप सिविल स्कोर चेक कर लीजिएगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपके नाम पर कितना लोन चल रहा है कितना लोन नहीं चल रहा है।